दोस्तों, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अच्छा दोस्तों, आज मेरा इरादा बना है कि मैं कहा कि अपनी डक्स का आईक्यू टेस्ट कर लें कि क्या वो अपने घर खुद दोबारा आती हैं। आज हम लेने नहीं जाएंगे, हम उनको साथ यहीं पर एक पानी का जोहड़ है वहाँ पर छोड़ाते हैं, वहाँ घास है वो खाती हैं और बतखें भी वहाँ आती हैं, उनसे मिलती हैं। तो आज मेरा इरादा यही है कि मैं उनको ना लेकर आऊँ और देखें वो क्या करती हैं, क्या वो यहाँ तक आती हैं। तो मैं जो है मगरिब के बाद ही जाऊँगा उनके पास, मगरिब से पहले नहीं जाऊँगा। देखते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं क्या वो दरवाज़े पर आती हैं खुद से या नहीं आती। अच्छा दोस्तों, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ डक्स का। मगरिब की नमाज़ का टाइम भी होने वाला है। मैंने दरवाज़ा भी देखें ओपन कर दिया है, देख रहा हूँ कि क्या करती हैं, आती हैं या नहीं। तो यहाँ पर बैठ कर मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। और इस वक्त हमारे ये वाले मुन्ने प्यारे से पैरेट देखे लवबर्ड्स खेल रहे हैं, और डव्स तो हर वक्त खामोशी बैठी रहती हैं, डक्स वाली जगह खाली है। दोस्तों डक्स का इंतज़ार जारी है पर अभी तक कोई आया नहीं है। देखें अभी तक डोर जो है उस तरफ कोई नहीं है। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, यहीं पर ही हूँ। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं, आप भी मेरे साथ थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और मज़ीद मगरिब की अज़ान हो रही है इस वक्त, तो मगरिब की अज़ान, मगरिब की नमाज़ तक हम इनका वेट करते हैं। मैं नमाज़ पर जाऊंगा, तो तब तक आप भी मेरे साथ वेट करें, देखते हैं कि रक्स क्या करती हैं आज। दोस्तों इंतज़ार जारी है, अज़ान हो चुकी है, ख़त्म हो गई है अज़ान और नमाज़ का टाइम हो रहा है, बट अभी तक डक्स नहीं आई। तो मैं उस दरवाज़े से देखता हूँ, एक दफ़ा एक झलक लगा आता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ क्या आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अच्छा तो दोस्तों, मैंने नमाज़ का वज़ू कर रहा हूँ, अभी तक डक्स नहीं आई। तो देख रहे हैं डक्स क्या रिस्पॉन्स करती हैं, क्या ये आती हैं, क्या इनको अपना घर याद है या नहीं है, या वो क्या वहाँ पर कर रही हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद, अच्छा दोस्तों, मैं नमाज़ के बाद वहाँ से आया हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चे उनकी को छेड़ रहे थे, शायद इसलिए इनको लेट हो गई है अभी। और ये भी आ गई हैं, आपको पता नहीं है, ये सिर्फ दो अभी आई हैं, एंटर हुई हैं और ख़ुद से आ गई हैं। बाकियों का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ अगर वो ख़ुद से आती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ज़हनी तौर पर ये वाली दो जो है ये ज़्यादा मुझे लगता है इंटेलिजेंट हैं। देखें खुद ब खुद आ गई हैं और अभी तक बड़े वाली नहीं आई। तो नमाज़ का टाइम हो गया है, मैं नमाज़ पढ़ा हूँ, तो उसके बाद दोस्तों, तो मैं इनके लिए अब रोटी भिगो रहा हूँ। तो रोटी जैसे ही भीग जाती है तो इनको खिलाएंगे। अभी ये मांग रही हैं, बोल भी रही हैं मेरे साथ, घोटों घोटों। तो उनको अलहदा देंगे, छोटे वाले को उनको खाने नहीं देती, इनको अलहदा देंगे। दोस्तों तो मैंने इनको ये वाली सूखी रोटी ये रखी हुई है, इनको अभी मैंने भिगो कर दी है यहाँ पर। देखें जब ये पानी के अंदर गल जाती है तो इस पानी को पीती हैं, साथ साथ ये रोटी भी उसके अंदर इनके मुंह में जाती है। और दूसरी उनको जो है ना मैंने अलहदा डाल दिया है, क्योंकि ये लड़ती हैं और उनको नहीं खाने देती, वो अलहदा से खा रही हैं। तो अभी रात का टाइम हो गया है, लाइटें वगैरह भी ऑन हो गई हैं। और ये देखें इस वक्त वो पता नहीं आज क्यों नाराज़ है, बड़े वाला मेल जो है, हमें लगता तो मेल ही है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप क्या करती हैं, अंडे देती हैं नहीं देती हैं, ये हमें नहीं पता। अच्छा तो दोस्तों, ये वाली जो हमारी डक्स हैं ये अंडों के लिए तैयार है। तो ये बार बार वो जो आवाज़ करती हैं, सुने देखें, ये बार बार वो आवाज़ कर रही है और जगह भी तलाश कर रही हैं। तो ये दोनों बार बार अंदर आ जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि इनको जो है वो उस तरफ वहाँ पर नीचे जगह बना दें। तो वहाँ पर मैं जगह बनाता हूँ, किस तरह से बनती हैं देखें। ये जो है यहाँ पर पहले तो मैं रख रहा हूँ ईंटें, ताकि ये बाकी स्पेस से ऊंचा हो जाए, हम जो इसका घोंसला बनाएं। तो छः रख लिए मैंने, यहाँ पर रखते हैं 8 ईंटें या 10। तो इसके ऊपर से टायर दे देंगे ऊपर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो लकड़ी का बुरादा है, उधर दूसरे घर में हमारा काम हो रहा है, ये लकड़ी का बुरादा जो है नरम है, तो ये हम फिर डालते हैं उसके ऊपर।
ईंटें और तो नहीं थी, यहाँ से फिर उठानी पड़ गई हैं। दो चार छः ईंटों से कुछ नहीं होता फिलहाल, तो उनको सेटअप बना दें और फिर सर्दियों से भी तो बचाना पड़ेगा। आज मैं काफ़ी फैंटास्टिक मौसम है, देखें हर तरफ अबर आलूद है, तो शायद इसमें आज हमने इनको बाहर भी नहीं भेजा, तो ये सारी बोल रही हैं कि हमें बाहर भेजें बाहर भेजें। ये वाली लग गई इस तरह से, अब मैं कहता हूँ कि इनका इस तरह से हम इसको सेट करें भाभी की इसके नीचे, ताकि बारिश जो आए तो साइड से उसका पानी निकल जाए, बाद में हमें फिर इसको उठाना ना पड़े। इसको इधर से बंद कर देंगे, इधर से भी उस तरफ से ये फिर आया जाया करेंगी। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, ये वाला जो बुरादा है ये इसके अंदर मैं कल्टी कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारा इसी के अंदर आ जाएगा, तो इसके लिए अंडों के लिए बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त स्पेस बन रही है। देखें हाफ मैंने इसके अंदर अभी हाफ डालता हूँ, तो शायद दूसरी डक्स भी एग्स के लिए फिर तैयार हों, तो उनको भी जगह बना के दी जा सके। देखें ये दरमियान में मैंने इसके लिए अच्छी स्पेस बन गई है और बड़ी नरम व मुलायम स्पेस है, तो देखते हैं वो आकर यहाँ पर क्या करती है, जगह बनाती है बैठती है या नहीं। देखें दोस्तों इसमें जगह तलाश कर रही हैं, मैं इनको लेके जाता हूँ बाहर, इनको जगह देता हूँ वहाँ पर। चलो 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 शाबाश शाबाश, अंदर चलो अंदर चलो 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 अंदर चलो, मैंने तुम्हारा लगे जगह बना दिया है। चलो 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 यहाँ से, हाँ शाबाश शाबाश, उधर ही उधर ही चलो। देखें ये लड़ती हैं बड़े वाली, इसे आएगा इनके लिए ये रास्ता यहाँ से बंद कर देते हैं। अब शायद इसको पता चल जाए कि मेरे लिए वहाँ पर जगह बनी हुई है, तो ये जाएगी। इनको देखें ये मेरे लिए बोल रहे हैं लड़ने के लिए, तो वहाँ पर इनके लिए जगह बनाइए, देखते हैं ये क्या करती हैं। अच्छा दोस्तों देखें वो डक्स गई हुई हैं, सर्वे कर रही हैं वहाँ का, दोनों मेल और फीमेल दोनों ही, कि क्या ये जगह हमारे अंडों के लिए मुनासिब है या नहीं है। देखें आ रही हैं जा रही हैं, बार बार देख रही हैं, तो हम इनको थोड़ा सा इस तरफ से प्राइवेसी दे देंगे, ये जो फ्रंट वाली साइड है फ्रंट से उस तरफ से ये आए जाएँ, ताकि फिर ये अंडों के लिए वहाँ पर बैठ सके। बार बार बोल रही है और जगह ढूंढ रहे थे, तो मैंने फ़िलहाल आर्जी तौर पर इनको बना दिया। अच्छा दोस्तों सुबह आया हूँ मैं, तो ये देखें हमने डक को जगह बना दी थी वहाँ पर उस साइड में, आखिर में रख दिया था, लेकिन ये अंडे इस तरफ दे रही है, इसे अभी अंडा दिया है। देखें अभी अभी बिल्कुल मैं जो आया हूँ, तो ये जो उठी है यहाँ से, तो इसने ये अंडा दिया, फ्रेश सा अंडा है बिल्कुल। तो फिर इसको हम अभी अंडे तो जब इकट्ठे कर रहे हैं, इसको रखते हैं अंडे को अंदर, वो जैसे ही ये पूरे हो जाएंगे तो इसको अंडों पर बिठाएंगे, अलग-अलग जगह बना देंगे, तो जहाँ पर इसे कोई डिस्टर्ब ना करे और ये अंडों पर बैठ जाए।